नमस्कार जुहार सभी दोस्तों को, और एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में खुर्ठा के एक एस्पायरेंट ने अपनी व्यथा बताई है, किस प्रकार से पहले के जितने भी सिलेबस को इन्होंने प्रिपेयर किया था और कैसे वो सारा चीज़ वेस्ट हो गया। और ये चीज़ मुझे लगता है हर किसी के साथ हुआ होगा, आप भी अपने आप को इसे रिलेट करना, ठीक है। कोई कमेंट करके ये ना बोले कि अब सिलेबस आसान हो गया है, तो ये हो गया वो हो गया है, वो जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन जो समय बीत गया जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया था, ये उसके बारे में, ठीक है। अगर आपको भी लगता है कि आपने इतनी ही मेहनत की थी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी बता दूँ तो मैंने इस लड़के का 20% भी मेहनत नहीं किया था, ईमानदारी से अगर आपको बताऊँ तो, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देखिए। अगर आप लोग पहले से खोटा आप लोग पढ़ रहे होंगे JSSC CGL के लिए या उत्पाद सिपाही के लिए, तो ये सब कुछ बेसिक्स बुक हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी खरीदा ही होगा, इतना गारंटी बोल सकते हैं। एक आपका ये BN ओदार का लगभग 90% स्टूडेंट के पास ये बुक था उस समय जब वैकेंसी आया था। सबसे पहले इधर यही बुक बिका है, क्योंकि खोटा जब JSSC ने नया सिलेबस को डाला था, पहला बुक बिकने वाला इधर यही था, 90% स्टूडेंट ने खरीदा था। और जब एग्जाम की डेट जब सामने आ गया था, तब करियर फाउंडेशन वाला ने अपना टेस्ट सीरीज को इधर लॉन्च किया था। तो सोचिए मेरे जैसा स्टूडेंट कितने सारे होंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले हम कोर्स लिए थे एग्जाम फाइटर वाला से, आप देखिए कितना सारा इधर नोट्स है, खोटा कादे पैदा खंडी, फिर हो गया छैयर साहित्य की अनविधाएँ और ड नाटक, फिर एक मौनी फूल हो गया, यात्रा वेदांत हो गया, दामोदरे कोराएं हो गया, आंखी गीत हो गया। तो इतना सारा नोट्स इन कोचिंग वाले जो माफिया कहे जाते हैं, इन लोग ने सेटिंग करके या झारखंड सरकार ने बर्बाद कराया इतना मेहनत, जो कि हैंड रिटन इधर नोट्स है। उसके बाद चलिए आप इसमें आते हैं। एक तो ये बुक में इधर देखिए, लगभग हम लोग सब जो पुराने स्टूडेंट ने सब कंप्लीट करके बैठे थे, कोटा भाषा का साहित्य समाज संज्ञा वगैरह ये सब करके इधर बैठे थे। मतलब जो सिलेबस मेंशन था, जैसे पहला सिलेबस आया था तो उसमें आंखी गीत था, फिर दामोदरे कोराएं था, एक मौनी फूल था, ये क्या बोलिएगा आप? झारखंड का स्टूडेंट के साथ प्योर अन्याय हो रहा है, पूरा पूरी अन्याय है कि आप पहले पुराना सिलेबस बोलते हो फिर नया सिलेबस बोलते हो। और चलिए कोई कोई तो ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने खरीदा था उसका 2000 ऑनलाइन कोर्स में लगा। आप सोचिए कि 2000 कोर्स, ऊपर से ये सब बुक मिनिमम 200 रुपये करके आती है, कम से कम 3 से 4 हज़ार एक एक स्टूडेंट का खर्च पड़ा। अब जाहिर है क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि कोई वो मतलब सेट नहीं बनाएगा, वो खरीदेगा ही एग्जाम टाइम में, कोई सेट खरीदेगा। मैंने भी खरीदा था, लेकिन जब एग्जाम टाइम जब उसका इधर डेट नहीं हुआ तो मैंने इधर नहीं बनाया, लेकिन मैं इसको बनाता जब इधर एग्जाम कन्फर्म होता तो मैं बनाता। लेकिन पहले ही 2 महीना पहले नोटिफिकेशन इधर दे दिया कि एग्जाम कैंसिल होने जा रहा है, तो जिसके कारण ये मेरा बर्बाद चला गया। ये तो पूरा पूरी इधर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें जो पुराना सिलेबस था दिखाते हैं आपको। देखिए ये आया हुआ था सफल के तरफ से आया हुआ था, ये सब जितना भी है देखिए पुराना सिलेबस का है ना, ये सब देखिए सारा चीज़ में टिक मारा हुआ है, सारा चीज़ ये सब कंप्लीट किया हुआ है। मेरे जैसा कितना स्टूडेंट होगा, मतलब झारखंड सरकार क्या कर रही है पता नहीं, और एग्जाम फाइटर वाले तो क्या ही बोलेंगे उसको, मतलब बोले ना कि सबसे ज़्यादा जो इधर क्षेत्र इधर लैंग्वेज में इन्होंने जो कमाया है ना, हर चीज़ में कोर्स बेचना इन लोगों को, और कोई काम धाम नहीं है। स्टूडेंट के प्रति क्या बीता जा रहा है, क्या नहीं बीत रही है, कोई लोगों को कुछ परवाह नहीं है। कौन समझेगा स्टूडेंट का दर्द? BN ओदार सर का ये वाला बुक सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट खरीदा था, क्या हुआ? सब पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। खैर यही बोलना चाहता हूँ कि झारखंड, हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग झारखंड जैसे स्टेट में पैदा हुए हैं कि यहाँ सिलेबस का कुछ पता नहीं रहता है अभी तक। मतलब सबसे ज़्यादा अन्याय बोलिएगा तो मेरे हिसाब से खोटा वासियों के साथ हुआ है, क्योंकि खोटा का सिलेबस 4 से 5 बार चेंज हुआ है अभी तक, और फिर अभी चेंज कर दिया। मतलब इस बार जो चेंज हुआ है तो सिमिलर भी नहीं है, सिर्फ बोलिएगा सिमिलर क्या क्या है, वही आपका कुछ आपका व्याकरण पोर्शन आपका सिमिलर है, फिर आपका कुछ कुछ कहानी सिमिलर है, बस वही एक दो को नाटक सिमिलर है, बाकी पूरा का पूरा इधर नया सिलेबस है। तो कुछ कहानी जा सकता है इधर इस स्टेट में, और कुछ मुझे ये जो नया सिलेबस आया है कुछ मुझे अच्छा लगा। जैसे साहित्य की अनुविधा में जो जीवनी आता था ना, तो इसमें क्या पढ़ा जाता था कि मतलब खोटा साहित्य के जितने भी इधर लेखक है, मतलब अभी तक 19-20 जो फेमस है उन लोग के बारे में पढ़ना था, और JSSC में उनका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है। मतलब सोचिए कितना फालतू यहाँ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है कि अगर 40 को लेखक है तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हुए, अरे जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या डिग्री ली है, उनकी क्या योग्यता है, उन्होंने कौन सा बुक बनाया, कौन सा कविता लिखा, उन सबसे क्वेश्चन दिया जाए, ना कि उनका डेट ऑफ बर्थ से। मतलब डेट ऑफ बर्थ का कोई मतलब 1990 किसी का मान लीजिए 13 फरवरी 1990 है तो ऑप्शन भी दिया हुआ है कि 27 फरवरी 1990 13 फरवरी, मतलब आपको साथ साथ डे भी याद रखना है और कौन सा मंथ में हुआ वो भी याद करना है। तो सोचिए कितना फालतू ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, इतना बार बार सिलेबस चेंज कराती है।
इस बार अच्छा किया है कि जीवनी में पहले मतलब इधर बहुत सारा कवि का मतलब पढ़ना पड़ता था, मतलब पर्टिकुलर कर दिया कि 4-6 कवि का पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ सिलेबस अभी भी इधर बहुत ब्रॉड है, सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस ब्रॉड है। और एक चीज़ अच्छा हुआ है कि ये सब हटाया गया, ये जो है ना आंखिक गीत, ये चारों जो पोर्शन था ना, मतलब स्टूडेंट के लिए सबसे सर दर्द का काम करता था, एक मौनी फूल, खोटा कादे पैदा खंडी, आंखिक गीत, ये तीनों सर दर्द का काम करता था ये मतलब स्टूडेंट के लिए। अब थोड़ा राहत हुआ है कि लोकगीत वगैरह पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। फिलहाल मैंने सिलेबस को नहीं देखा है और ना मैंने बुक खरीदा है, अब मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, या तो मैं हिंदी में शिफ्ट होऊंगा या खोटा में रहूंगा, तो फाइनली तो इधर देखते हैं। तो चलिए, थैंक यू।